नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बच्चों को उनके अधिकार दिलाने और उन्हें प्रताड़ना मुक्त करने के लिए सरकार के द्वारा जिला बाल संरक्षण यूनिट बनाई गई है, जिसके तहत अन्य कई विभाग भी बच्चों की सुरक्षा में लगे हैं। यदि आपको भी आपके आसपास कोई असहाय, असमर्थ या फिर लाचार बच्चा दिखता है तो वह इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। सूचना मिलते ही तुरंत बच्चे को विभाग अपने अंडर में ले लेगा और उसकी सभी तरह से मदद की जाएगी। इसके अलावा सरकार द्वारा ऐसे बच्चे जो कि असहाय और असमर्थ हैं, उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद भी दी जा रही है। बच्चों को पारिवारिक माहौल मिले और कोई भी बच्चा अपने अधिकारों से वंचित ना रहे, इसके लिए भी बाल संरक्षण इकाई लगातार काम कर रही है। बच्चों के साथ यौन शोषण, बाल विवाह तथा पोस्को एक्ट के तहत यदि कोई भी घटना घटित होती है तो यह विभाग तुरंत संज्ञान लेता है। बच्चों को यदि किसी भी रूप में प्रताड़ित किया गया तो सजा भी हो सकती है। इस बात की जानकारी जिला बाल संरक्षण के अधिकारी रीना ने समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में दी। देखिए आप ही यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि यह सारे कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं। अगर बच्चे देश का भविष्य हैं, उन्हें देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो देश ही मजबूत बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौजूदा समय में हालात इसके विपरीत हैं। मौजूदा समय में बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें बाल विवाह भी है, दहेज भी है। इसके अलावा और ऐसे संवेदनशील मामले हैं जिनको सुनकर भी मन दहल जाता है। ऐसे बच्चों के साथ ऐसे वाक्या घटित हो रहे हैं। इस बारे में ऐसे बच्चे जो कि अनाथ हैं, जो कि बेसहारा हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, उन्हें संभालने के लिए हर जिला में DCPU यानी कि जिला बाल संरक्षण इकाई, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई है। और आज हमारे पास इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे पास यूनिट इकाई की जो अधिकारी हैं रीना मैम, वो हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करूंगा और इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर बच्चों के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और अगर उनके साथ ऐसा कुछ भी होता है, कुछ ऐसा घटित होता है कि जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, तो इस बारे में उन्हें क्या करना चाहिए और इनकी इकाई कैसे काम करती है। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर। मैडम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चों के जो हैं मौलिक अधिकार क्या हैं। बेसिकली जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार है, डेवलपमेंट का अधिकार है, प्रोटेक्शन का अधिकार है, और इस तरह से जो बच्चों के हमारे दिए हुए हैं, बेसिकली हम बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हम काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो कि बच्चों के लिए काम करते हैं। यह हमारा जो डिपार्टमेंट है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हम काम करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत। ये हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनी हुई है, जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एंड कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि नीड ऑफ केयर के जो ज़रूरतमंद के जो बच्चे हैं उनके लिए काम करते हैं। उसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे, जैसे कि कोई अनाथ बच्चा है या गुमशुदा बच्चा है, मिसिंग बच्चा है, चाइल्ड लेबर का बच्चा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इस तरह से जो बच्चा है वो नीड एंड केयर की कैटेगरी का बच्चा है। और जो दूसरे बच्चे होते हैं कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि जो किसी भी वजह से कानून का उल्लंघन कर देते हैं, उस तरह के बच्चों के लिए काम करते हैं। अब इसके आगे इन बच्चों को अलग अलग कैटेगरी वाइज जो बांटा गया है, उनके लिए एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो कि नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चों के लिए काम करती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी हर जिला में बनी हुई है। कोई भी आपको ज़रूरतमंद का बच्चा कहीं पर भी मिलता है तो आप तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करें। उसके लिए उसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा बच्चे को, और उस बच्चे को जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड को देखते हुए जो डिसीजन होगा वो फाइनल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का होगा। ये मान लो कि यदि कोई बच्चा आपको मिसिंग मिलता है कहीं पर भी, तो आप उसको इन्फॉर्म करें, चाहे पुलिस में इन्फॉर्म करें, पुलिस उसको प्रोड्यूस करेगी, या आप डायरेक्ट भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उस बच्चे के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उस बच्चे की काउंसलिंग करवाती है, बच्चे की जानने का कोशिश करती है कि बच्चा कहाँ से है, कैस किन हालात में वो मिस हुआ है, मतलब पूरे उसकी हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि बच्चे की फैमिली को ट्रेस किया जा सके। हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराई जाती है और काउंसलिंग की जाती है। कंसर्न अगर वो अदर स्टेट का है या अदर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है, तो वहाँ पर भी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उनके माध्यम से हम उस बच्चे का एड्रेस ट्रेस करते हैं। मैम, अभी आप बता रही हैं, आपने विस्तार से सारा कुछ बताया, इतने सारे प्रावधान होने हैं,
के बावजूद भी बच्चों के साथ जो है उत्पीड़न की घटनाएं या उनके साथ मतलब किसी भी तरह की उत्पीड़न की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्हें सुनकर मन भी दहल जाता है, मन को दुख भी लगता है। कोई अपने जिगर का टुकड़ा पालना घर में छोड़ जाता है, कोई दो दिन का बच्चा। उन ऐसे इतने प्रावधान होने के बावजूद भी आखिर इनके पीछे क्या कारण हो सकता है कि ये घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही? एक सर ये भी हो सकता है कि पहले जागरूकता कम थी, अब जागरूकता है। अब वो पहले रिपोर्टिंग कम होती थी, हो सकता है अब रिपोर्टिंग ज़्यादा है तो मामले हमारे संज्ञान में ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब जैसे कि बच्चों के लिए एक यौन उत्पीड़न से रिलेटेड भी बच्चों के लिए अलग से एक कानून बनाया गया है, पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इसमें जैसे कि कोई भी बच्चा है लैंगिक अपराधों से बच्चों को सुरक्षा देने के लिए भी कानून बनाया गया है, जो कि बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है। और इस कानून को इसीलिए बनाया गया स्पेशली बच्चों के लिए क्योंकि इससे पहले जो आईपीसी की धाराएं हैं या कोई है, बच्चों के लिए अलग से स्पेशल कोई कानून नहीं था, स्पेशली लड़कों के लिए। ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता, कोई भी यौन शोषण, कोई भी यौन अपराध होता है तो उसमें अलग अलग सजाओं का प्रावधान है। तो अब इसमें अमेंडमेंट भी इसमें अभी हुई है, रूल्स चेंज हुए हैं। और इसमें अगर कोई बच्चा है अलग अलग, इसमें हमें अपने बच्चों को गुड टस्ट बैड टस्ट के बारे में बताना चाहिए कि क्योंकि मोस्टली केसेस में देखने में आया है कि जो हमारे जानकार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, वही हमारे बच्चे के साथ छेड़खानी करते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा, आम जनता से भी, आम पब्लिक से, सभी से, सभी माता पिता से, कि आप अपने बच्चे को शुरू से ही बताएं कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। अगर हमें कोई गलत तरीके से टच करता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने बच्चे को बताना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चे छेड़ता है गलत वो तरीके से, इंटेंशन से बच्चे को, तो बच्चे को हमें सिखाना चाहिए कि हमें ज़ोर से चिल्लाना चाहिए, वहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति कोई हमें कुछ खाने पीने की चीज़ देता है तो हमें वो नहीं लेनी चाहिए। कोई हमें चीज़ देकर अगर ये छुपाने के लिए या चुप रहने के लिए बोलता है तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई गलत मंशा है। तो इस तरह हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। कोई कोडवर्ड से हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों को अगर हम अवेयर करेंगे तो हम अपने बच्चे को बचाने में कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैम ने हमें बताया कि किस तरह से बच्चों को जागरूक होना चाहिए, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई गलत नीयत से कोई छेड़खानी करता है, उन्हें बैड टच गुड टच के बारे में बताना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा पॉक्सो एक्ट 2012 का बनाया गया है, जिसमें कि ऐसे बच्चे जो ऐसे लड़के और लड़कियाँ जिनके साथ यौन उत्पीड़न का शिकार है उनके लिए सजा का प्रावधान भी है। इसके लिए CCI और JJB भी यहाँ पर बनाए गए हैं। मैडम, मौजूदा समय में करनाल में कितने CCI हैं? करनाल में सर 4 तो चाइल्ड जो नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं उनके लिए 4 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं, और 2 हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे होते हैं। लड़कियों के लिए ऑब्जर्वेशन होम है जो कि पूरे हरियाणा में एक ही है, वो करनाल में है। और एक हमारे यहाँ पे प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वो भी पूरे हरियाणा में एक ही है। और लड़कों के लिए जिसमें हीनियस क्राइम के जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। अभी फ़िलहाल 6 है, एक अभी बनकर तैयार हो गया, उसमें जल्द से जल्द बच्चे शिफ्ट होने हैं, वो भी प्लेस ऑफ सेफ्टी बना है लड़कों का। और एक अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑब्जर्वेशन होम फॉर बॉयज, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हुआ है। देखिए रीना मैम ने हमें साफ तौर पर विस्तार से बता दिया कि करनाल में कितने CCI हैं, कहाँ पर लड़कियों को रखा जाता है, कहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने कानून की उल्लंघना की, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो घर से भागे हुए हैं या किसी भी मदद की या नीड एंड केयर की, जिन्हें स्पेशल नीड एंड केयर और सुरक्षा की आवश्यकता है, उन बच्चों को कहाँ रखा जाता है, मैम ने हमें विस्तार से बताया। मैम अभी हमें कई बार सुनने में आता है बाल विवाह और उसके ऊपर ऑनर किलिंग, इसके बारे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सर बाल विवाह, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि शादी की सरकार द्वारा एक आयु तय की हुई है, लड़की की 18 से पहले हम शादी नहीं कर सकते और लड़के की 21 साल से पहले हम शादी नहीं कर सकते, यदि ऐसा करते हैं तो वो कानूनी अपराध है। तो इस तरह से इसके लिए भी एक अलग से प्रोबेशन ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर चाइल्ड मैरिज एंड प्रोबेशन ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि स्पेशली चाइल्ड मैरिज और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज होते हैं उनको देखते हैं। बट अगर हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चाइल्ड मैरिज की तो हम पूरी टाई अप करके उन मैडम से, ऑफिसर से, पुलिस से, तो हम कोशिश करते हैं चाइल्ड मैरिज को रुकवाने की और उनको समझाने की कि अभी बच्चे की ये एज नहीं है तो अभी शादी
के लायक नहीं है तो शादी नहीं करनी है, पूरी एज होने के बाद ही हमें शादी करनी चाहिए। और रही बात ओनर किलिंग की, सर इसमें यही है कि हमें अपने बच्चे को ऐसे शुरू से ही हमें संस्कार या इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए कि भाई वो इस तरह का कोई भी कदम ना उठाए जिससे फैमिली को इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। आम जनता से भी अपील है कि हमें इस तरह ओनर किलिंग वाले इस पर तो हमें जाना भी नहीं चाहिए, हमें ऐसे करना नहीं चाहिए अपने बच्चों के साथ। ऐसे बच्चे जिनको अभी दो तीन दिन पहले भी ऐसा मामला सामने आया था कि पालना घर जो MDD भवन में पालना घर में दो दिन या तीन दिन के मासूम बच्चों को छोड़ के चला गया। मैम ऐसे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए और ऐसे बच्चों को जो अगर जो कुछ लोग इच्छुक होते हैं अडॉप्ट करने के लिए, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? सर इस तरह जैसे आपने क्रेडल की बात करें, हमारे ज़िले में MDD बाल भवन की जो एक नई बिल्डिंग बनी है और एक पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ दोनों जगह पर क्रेडल लगा हुआ है। 2014 में वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था और तब से लेकर अब तक जो बच्चा अभी दो तीन दिन पहले आया है उसको मिलाकर अभी तक 15 बच्चे वहाँ पर आ चुके हैं। क्रेडल का ये है कि अगर कोई भी परिवार है, कोई फैमिली है, किसी भी उनकी कोई भी मजबूरी है, किसी भी बच्चे को वो अगर पाल नहीं सकते हैं तो वो सामने आकर भी सरेंडर हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने कर सकते हैं। अगर वो सामने आकर सरेंडर नहीं करना चाहते हैं तो वो क्रेडल में भी बच्चे को छोड़कर जा सकते हैं। बस यही है कि ये क्रेडल इसलिए हमने इस्टेब्लिश किए हुए हैं कि ताकि कोई भी, कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे को झाड़ियों के पीछे फेंक दिया, सड़क पर फेंक दिया, गंदे नाले में फेंक दिया, तो आप सभी से यही अनुरोध है कि इस तरह अगर किसी भी परिवार का कोई अनचाहा बच्चा या वो नहीं पालने में समर्थ है तो इधर उधर फेंकने के बजाय वो क्रेडल में सुरक्षित छोड़ सकते हैं। उनकी सूचना गुप्त रखी जाती है, फिर उस जैसे बच्चे के आने के बाद हमारा प्रोसीजर ये रहता है कि हम बच्चे की 72 घंटे के अंदर अंदर एडवर्टीजमेंट निकलवाते हैं नेशनल पेपर में। अगर उसका कोई क्लेम करने वाला है तो भी वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज फिर उसको 2 महीने, अगर 2 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 2 साल, अगर 2 साल से ज़्यादा आयु का बच्चा है तो 4 महीने के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उस बच्चे को लीगल फ्री करना होता है फॉर अडॉप्शन के लिए। उसकी जब लीगल फ्री कर दिया जाता है तो फिर जो पेरेंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं अडॉप्शन के लिए, ऑनलाइन कैरिंग कारा की वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं, जिस भी फैमिली का नंबर होता है फिर वो बच्चा आगे अडॉप्शन में दे दिया जाता है जो पेरेंट्स उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सरकार ने कुछ बच्चों के लिए जो कि या माता पिता के लगा लिया, परिवार लगा लीजिए जो अपने बच्चों को पालने में असमर्थ हैं, उनके लिए आर्थिक मदद की भी व्यवस्था प्रावधान है? हमारी सर स्कीम है दो, एक स्पॉन्सरशिप और एक फोस्टर केयर की। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत यदि कोई बच्चा ऑर्फन है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, तो एक्सटेंडेड फैमिली है वो फोस्टर केयर में आएंगे, तो स्पॉन्सरशिप के तहत यदि कोई बच्चा अनाथ है, उसको कोई पालने वाला नहीं है, तो अगर कोई उसका गार्जियन है जो ब्लड रिलेशन में नहीं आता, उसका कोई दूर का है, अगर उसको पाल रहा है तो उस बच्चे के लिए, एक फैमिली के 2 बच्चों के लिए 2000 रुपये पर मंथ पर बच्चा हमारी स्कीम है स्पॉन्सरशिप की। उसमें क्राइटेरिया है कि जो फैमिली की इनकम है वो 24,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली, और स्कूल में बच्चा जाना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे की देख रेख कर सके, वो पाल सके। और फोस्टर केयर में वो आते हैं जिसका कोई भी नहीं है, उस बच्चे को कोई ब्लड रिलेशन वाला कोई भी बच्चा, अगर एक फोस्टर केयर का ये सिस्टम है सर, कोई फैमिली है वो किसी को पालना चाहती है तो वो एप्लीकेशन हमें दे, उसके बाद हमारा जो क्राइटेरिया है उसके घर की होम विजिट होगी, वो फुलफिल अगर करता है क्राइटेरिया तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उसको फोस्टर फैमिली डिक्लेयर करेगी। फोस्टर फैमिली डिक्लेयर होने के बाद जो हमारी संस्थाओं में कोई बच्चे हैं जो अनाथ बच्चे हैं और उनका अडॉप्शन नहीं हो रहा है, मान लो वो बड़े हो गए हैं 6 साल का, 7 साल का है, अगर उनको कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा है तो उस बच्चे को हम उस फोस्टर फैमिली में 1 साल के लिए प्लेसमेंट मतलब ऑर्डर कर सकते हैं ताकि वो फैमिली उसकी देख रेख करे, अगर बीच बीच में फॉलोअप भी करेंगे उसका, अगर वो बच्चे उसको अच्छे से पाल रही है तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए उसका ऑर्डर कर सकती है। अगर बच्चा वहाँ पर अपने आप को नहीं अच्छे से रह पा रहा है भाई अपने वो पर, तो उसको हम वापस भी ऑर्डर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ले सकती है। देखिए ये थे जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी रीना मैम, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि बच्चों को उनके अधिकारों का पता होना चाहिए, बच्चों को अधिकार क्या हैं, बच्चे अपने आप को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, और वो बच्चे जो कि बेसहारा हैं, असहाय हैं, अनाथ हैं, जिनको पालने वाला कोई नहीं है, उनके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या
क्या क्या उनके लिए कानून बनाए गए हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने कैसे कैसे CCI सेंटर बनाए गए हैं और कैसे CCI सेंटर बच्चों के लिए काम करता है, इन सब बातों की विस्तार से जानकारी दी है हमें जिला बाल संरक्षण इकाई की अधिकारी रीना मैम। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।